आगे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली। अमेरिका में जब पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली कर रहे थे ट्रंप और उस दौरान गोली चलने की एक घटना होती है। अचानक एकाएक गोली चलती है और उनको उनके कान को छूते हुए निकलती है। इस रैली में जहां कई समर्थक मौजूद थे उनके आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, एकाएक गोली चलती है और ट्रंप के कान को छूते हुए ये गोली निकलती है। और जैसे ही ये गोली छूते हुए निकलती है, देखिए ट्रंप यहाँ पर अचानक से बेसुध होकर गिर पड़ते हैं और आसपास अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। जैसा कि देखिए इन तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोली चलने के बाद ट्रंप यहाँ पर गिर जाते हैं और जो सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद होते हैं उन्हें उठाकर ले जाते हैं। हालांकि खतरे से बाहर हो चुके ट्रंप, लेकिन देखिए अचानक सी गोली चल रही होती है। सब कुछ यहाँ पर वातावरण जो आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से संबोधन चल रहा है, रैली चल रही है, समर्थक मौजूद है, लेकिन अचानक से गोली चलने के बाद ट्रंप अचानक यहां पर गिर पड़ते हैं। हालांकि इस दौरान एक शख्स की भी मौत हो गई है और हमलावर को मार गिराया गया है। एक बार फिर से देखिए, और ये वो हमलावर है, ये वो हमलावर है जिसने हमला किया था, अचानक से गोली चलाई थी और इसी हमलावर की गोली से ट्रंप घायल हो जाते हैं। और ये सवाल बना हुआ है कि ये किसने निशाना बनाया डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। एक तरफ आप देख पा रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ है ये हमलावर। और इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तो देखिए किस तरीके से चीख पुकार मच जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल घेरे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके कान से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ आसपास उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं, उन्हें किसी तरह से संभालते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है और सुरक्षा बलों ने उस हमलावर को भी मार गिराया है। लेकिन देखिए अपने समर्थकों का अभी भी अपने समर्थकों से कह रहे हैं ट्रंप इशारा करके कि सब कुछ ठीक है। देखिए एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें हैं जब ट्रंप पर गोली चलती है अचानक से इस रैली के दौरान। ये पेंसिल्वेनिया का पूरा मामला है और जब गोली चलने के बाद ट्रंप को वहां से उठाया जाता है, ट्रंप आगे बढ़ते हैं और अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर ये बताते हैं कि वो फिलहाल ठीक है। और ये तीसरी तस्वीर में आप उस हमलावर को देख पा रहे हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 8 से 10 राउंड फायरिंग से दहला पौश इलाका, एक युवक के घायल होने की खबर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल में बदमाशों ने टीएमसी के 2 नेताओं को मारी गोली, घटना में एक की मौत, दूसरा घायल, इलाके में बड़ा तनाव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में कार शोरूम में लगी भीषण आग, कई कारें आग में हुई जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में मुंबई नासिक हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया जहां कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के मेरठ में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में मौजूद दमकल केमिकल ड्रम में आग से विस्फोट, आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी, लाखों का सामान कुछ ही मिनटों में राख हो गया। हरियाणा में यमुनानगर की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से घिरा आसमान, केमिकल से भरे 3 ट्रक पूरी तरह से जले, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मेहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को एम्बुलेंस ने रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के पाली के एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जहां ट्रेन आती देख पति पत्नी ने रेलवे पुल से लगाई छलांग, गोरम घाट रेलवे ब्रिज पर ले रहे थे सेल्फी, दोनों की हालत गंभीर। हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा हो गया जहां कोठूर वाइट जंक्शन पर 3 ट्रकों की हुई जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मंजर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में बियर से लदी तेज रफ्तार डीसीएम खड़े ट्रक से जा टकराई, बियर की कैन सड़क पर बिखरी, मौके पर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के बड़वारी में टोल टैक्स के पास ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई वासियों को पीएम मोदी ने दी 30,000 करोड़ की सौगात, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का उद्घाटन किया, कहा कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा पिछले 3 से 4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार और इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। महाराष्ट्र को विकास योजनाओं की सौगात पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा महाराष्ट्र में जब भी पीएम मोदी आते हैं प्रगति और विकास की द्वार खोल देते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की। इंदौर में 12 घंटे के भीतर रोपी जाएंगे 11 लाख पौधे, गृह मंत्री अमित शाह इस पल की बनेंगे साक्षी। तो वही मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का अमित शाह शुभारंभ करेंगे। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए, बीजेपी की 2 सीटों पर जीत, कांग्रेस टीएमसी को 4-4 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी डीएमके और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली। उपचुनाव के नतीजों के बाद इंडी में खुशी, ममता ने बताया इंडी को मिला है जनादेश। बीजेपी ने कसा तंज, कहा इंडी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे, फिर इंडी की जीत कैसे। गिरा बिहार में उपचुनाव के नतीजे पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आरजेडी के युवराज के कारण बीमा भारती हारी, आने वाली पीढ़ी ने दोनों गठबंधन को नकारा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को जीतनराम मांझी ने किया खारिज, कहा पत्थर पर कितना भी माथा पटक ले नहीं पूरी होगी ये मांग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बड़ी शक्तियां, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उपराज्यपाल से लेनी होगी मंजूरी, केंद्र ने अधिसूचना जारी कर एलजी को बनाया पावरफुल। दिल्ली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी साथ में मौजूद रहे। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी का अहम बैठक आज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगा मंथन, सीएम योगी समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के अवैध मकान पर चलेगा बुलडोजर, 7 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। पिस्टल लहराने के मामले में खेडकर की मां और पिता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। जयपुर थप्पड़ कांड में क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ जवान पर अभद्र कमेंट करने का आरोप लगाया, बोली मैंने गुस्से में खोया मानसिक संतुलन, सीआईएसएफ पर पूरा सीसीटीवी नहीं देने का आरोप भी लगाया। मुंबई के खाटकोपर होर्डिंग हादसे में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों पर मामला दर्ज, हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। अनंत अंबानी राधिका की शादी के बाद शुभ आशीर्वाद समारोह, पीएम मोदी समेत कई राजनेता, क्रिकेट बॉलीवुड के सितारों समेत साधु संत भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ चौकियों का दौरा किया, 12,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षा का जायजा लिया और इस दौरान जवानों से बातचीत भी की। यूपी में देर रात 5 जिलों में बदले गए डीएम, चंद्र विजय सिंह को मिली अयोध्या की जिम्मेदारी, इंद्रमणि त्रिपाठी को डीएम औरैया बनाया गया है, तो वहीं बद्रीनाथ सिंह को डीएम सोनभद्र बनाया गया, देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल बनी, वहीं निधि श्रीवास्तव डीएम बदायूं बनाई गई। बाढ़ बारिश से देश